तो आप क्विकली कुछ इलस्ट्रेशंस ले सकते हैं। क्वेश्चन वन, चलो यही ले लेते हैं। मान लिया उसने बोला ना कि चार पांच फाइव, ये ठीक है, लेटर्स का एक वर्ड बनाने, ये ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट यूज करके, ये ठीक है, यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो फर्स्ट पार्ट, रिपीटिशन अलाउड, ठीक है, मतलब फाइव लेटर्स का एक वर्ड बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है, इंग्लिश अल्फाबेट से यूज करनी है। तो इस बात को जो भी अभी हम कर रहे थे, समेशन रूल और प्रोडक्ट रूल, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब बेसिक से कैसे काउंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, हमने ऐसे पांच बॉक्सेस बना लिए, इस बॉक्स को भरना है, ये ठीक है। एक वर्ड बनाने का मतलब क्या है कि हमें इस बॉक्स को भरना है, इस बॉक्स को भरना है, इसको भरना है एंड इसको भरना है। बीच में हम क्या बोलेंगे, एंड, पहले बॉक्स को भरना है एंड दूसरे बॉक्स को भरना है। इन दोनों के बीच ऑप्शन नहीं है, पहला भर दिया भले ही दूसरा भर दिया, ऐसे नहीं बोल सकते। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो गए, अगर हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, 26, फिर दूसरे को भरने के 26, फिर 26, फिर 26, फिर 26, तो आंसर कितना रहेगा, 26 रेस्ट पर 5। पहले बॉक्स में क्या है, इससे दूसरे वाले को कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। फिर सेकंड मान लिया, रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो पहले प्लेस को हमने भर दिया 26 तरीके से, अब हम दूसरे प्लेस पे पहुंचे, तो दूसरे प्लेस को भरने का कितना तरीका है, तो पहले प्लेस पे कोई भी अल्फाबेट यूज हुआ हो, सेकंड प्लेस पे हम वो यूज नहीं कर सकते, तो उसको भरने का कितना तरीका हो गया, 25। तो मान लिया पहले पे ए आ गया, दूसरे पे सी आ गया, अब तीसरे पे ए और सी के अलावा जो भी 24 अल्फाबेट्स बच गए, दे आर अवेलेबल, तो 24, 23, 22, ये आंसर हो गया इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब और सेकंड पार्ट, ठीक है, कंस्ट्रेंट बढ़ा सकते हैं कि वर्ड शुड स्टार्ट विद अ वॉवल, ठीक है, जो भी वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही यहां पे वॉवल आना चाहिए, वॉवल कितने होते हैं, 5, ठीक है, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो नंबर ऑफ तरीके क्या हो जाएंगे, अच्छा अगेन वही रिपीटिशन अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहली जगह पे वॉवल रखने के कितने तरीके, 5, फिर इनटू दूसरी जगह पे, उसने वॉवल ये तो नहीं बोला केवल पहली जगह पे आना चाहिए, ये ठीक, उसने बोला पहली जगह वॉवल आना चाहिए, बाकी कुछ भी होता नहीं, तो सेकंड प्लेस को भरने के 26 तरीके, फिर रेस्ट ऑफ जो 4 प्लेसेस है उनको भरने के 26 तरीके, तो आंसर हो जाएगा 26 रेस्ट पर 4। अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो पहले प्लेस को भरने के 5 तरीके, ये ठीक है, मान लिया यहाँ पे आई आ गया, सेकंड प्लेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉन्सोनेंट वॉवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो सेकंड प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, वही 25, क्योंकि एक वॉवल आई कम हो गया, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स बचे हुए मिला के कितने हो गए, 25, सो आंसर विल 25, 24, 23, 22, ये 5 प्लेसेस भर गए। इतने तरीके से हम ये प्लेसेस भर सकते हैं, तो हर तरीके से एक तरीका भरना, ये ठीक है, इज इक्वलेंट ऑफ एक न्यू वर्ड, तो इतने नए वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट इज वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल, ये ठीक है, और एंड्स विद वॉवल, वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल और एंड्स विद ए वॉवल। अच्छा, और का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला ना मैथमेटिक्स में ए और बी, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव और, ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ए हो जाए और बी ना हो तो ये चलेगा, तब ये स्टेटमेंट सही है, या ए ना हो बी हो जाए तो भी चलेगा, दोनों हो जाए, ये ठीक है, तो भी चलेगा, इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, दोनों ना हो, ये ठीक है, ए भी नहीं हुआ बी भी नहीं हुआ, बस ये नहीं होना चाहिए, तो अगर उसने बोला कि ए होना चाहिए और बी होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि अगर दोनों हो रहे हैं तो भी चल रहा है। जब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं कि या तो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, तो उसका सेंस हमें गलत लगता है, उसमें लगता है कि
दोनों नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए। अगर ए और बी में से केवल एक ही होना चाहिए तो उस बात को बोलने के लिए वो वर्ड एग्जैक्टली यूज करेगा। मतलब अगर वो ये बोले वर्ड स्टार्ट विद वॉवल, मतलब एग्जैक्टली आइदर स्टार्ट्स विद ए वॉवल और एंड्स विद ए वॉवल, नहीं वो भी नहीं, उसमें भी इंक्लूसिव और आ गया। मतलब अगर केवल एक ही पॉसिबल है तो वो एग्जैक्टली वर्ड यूज करेगा, ये ठीक है। मतलब तो यहाँ पे जब उसने बोला वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल और एंड्स विद ए वॉवल, उसका मतलब क्या है कि वॉवल से शुरू हुआ और कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हुआ ऐसा वर्ड चलेगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ वॉवल पे ख़त्म हुआ ये भी वर्ड चलेगा, एंड वॉवल से शुरू हुआ और वॉवल पे ख़त्म हुआ ये भी चलेगा। कहने का मतलब ये, तो अगर उसको ये बोलना होता ना कि या तो वॉवल से शुरू हो या फिर ख़त्म हो, मतलब हिंदी वाला कि केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, तो लैंग्वेज ये होता कि एट आइदर कॉर्नर, मतलब या तो स्टार्टिंग में है या फिर लास्ट में, एग्जैक्टली वन वॉवल शुड बी यूज्ड। ऐसा बोलने से क्या हो जाता कि अब उसने बोल दिया कि एक वॉवल होना चाहिए और दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने लैंग्वेज बताया। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, जैसे उसने बोलना है कि और का सेंस है, या तो वॉवल से शुरू हो या फिर वॉवल से एंड हो जाए, तो ठीक है पहले हम देखते हैं रिपीटेशन अलाउड। अगर मान लिया वॉवल से शुरू हुआ तो पहले प्लेस पे 5 × 26⁴, ये तो वो वर्ड्स हो गए जो वॉवल से शुरू हो रहे, ठीक है। और उसके बाद हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया और एंड्स विद ए वॉवल, तो एंड्स विद ए वॉवल का मतलब क्या, लास्ट प्लेस पे 5 तरीके से भर सकते हैं, पहले पे कुछ भी और लो 26⁴, ठीक है। और का सेंस था इसलिए हमने ऐड किया। फिर हमने एक नोट ऊपर ये बोला था कि ऐसे ऐड करते समय हम ओवरलैपिंग केसेस का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले वाला ये चीज लिखा तो इसमें हमने क्या बोला, वॉवल से शुरू हुआ और आगे कुछ भी होता रहे, तो उसका मतलब क्या कि पहले इसमें ये भी काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया, मतलब वॉवल से शुरू हुआ कॉन्सोनेंट पे एंड हुआ वो भी काउंट हो गया, वॉवल से शुरू हुआ वॉवल पे एंड हो गया वो भी काउंट हो गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में ये भी काउंट हो गया एंड ये भी काउंट हो गया, मतलब दूसरे वाले केस में तो बस उसको क्या मतलब था कि लास्ट में वॉवल आना चाहिए, शुरू में कुछ भी आए तो शुरू में कॉन्सोनेंट आया वो भी काउंट हो जाएगा, शुरू में वॉवल आया वो भी काउंट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो वॉवल वॉवल वाला केस है, वॉवल से शुरू करके उसी पे एंड करना, ये दोनों ही जगह काउंट हो गया, होना तो एक बार काउंट था ये, ठीक है, ये तो ये भी हमारा फेवरेबल है, बट ये एक बार ज़्यादा काउंट हो गया, बस यही केस ऐसा होगा। तो हमने ऐसे केसेस को घटाया, कैसे घटाया, फर्स्ट प्लेस पे वॉवल 5, ठीक है, लास्ट प्लेस पे वॉवल 5 और बीच में कुछ भी आ जाए तो 26 का क्यों, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर।